हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजी रेसिपी गैलरी। आज हम बनाने वाले हैं वेजी लोडेड पिज्जा। ये एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोग को वेजीज और चीज बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में सभी को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ काफी सारी टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसका यूज करके आप लोग भी स्क्रैच से पिज्जा का बेस बना पाएंगे। पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर, 1 छोटा चम्मच शुगर, 1 छोटा चम्मच ड्राई ईस्ट और बहुत सारी मनपसंद वेजीज जैसे टमाटर, मशरूम, कैप्सिकम, अनियन और स्वीट कॉर्न। आप चाहें तो और भी अपनी पसंद की वेजीज ऐड कर सकते हैं। पिज्जा का डो बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में लेंगे 1 कप वार्म वाटर। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी। शुगर को हम पानी में अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे। ये देखिए, हमारी शुगर डिसॉल्व हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ईस्ट और अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जब तक के हमारे पानी में अच्छे से बबल्स ना आने लगे। ये देखिए, 10 मिनट के बाद हमारे पानी में अच्छे से बबल फॉर्म हो चुके हैं। ये देखिए, इसमें काफी अच्छे बबल आ चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा। एक चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इसको डालने से हमारे डो का काफी अच्छा टेक्सचर आता है। 1 चम्मच नमक। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाते हुए डो को तैयार कर लेंगे। बीच बीच में हम इसमें थोड़ा सा वार्म वाटर डालेंगे, अगर हमें पानी की रिक्वायरमेंट लगेगी तो। हमें इसका एकदम सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम हमारे डो को लेंगे और एक बर्तन में थोड़ा सा ऑयल डाल के हमारे स्टिकी डो को इस बर्तन में डाल देंगे। डो के ऊपर भी हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और अब हम इस डो को बहुत अच्छे से मसल मसल के गूंद लेंगे। ये देखिए, हमें डो को बहुत अच्छे से गूंद लेना है। ये देखिए, 5 से 10 मिनट डो को अच्छे से गूंदने के बाद हमारा स्मूथ डो बिल्कुल तैयार है। अब हम इस डो को एक बर्तन में रखेंगे और इसको अच्छे से प्लास्टिक से सील करके आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, आधे घंटे रेस्ट करने के बाद हमारा डो बहुत अच्छे से फूल चुका है। अब इस डो को हम ऐसे हाथ से मारते हुए इसको पंचर कर लेंगे और इसकी सारी हवा निकाल देंगे। अब हम इस डो को एक बर्तन में निकालेंगे और धीरे धीरे ऐसे हम इसको बाइंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से। अब इस डो को हम 4 पोर्शन में काट लेंगे। अब हम डो का एक पोर्शन लेंगे और उससे एकदम अच्छे से स्मूथ करते हुए एक गोला बना लेंगे। अब हम हमारे रोलिंग बोर्ड पे सूजी और आटे का मिक्सचर को डस्ट करेंगे और इसके ऊपर हम हमारी डो को रख देंगे और धीरे धीरे हाथ से हमारी डो को प्रेस करते हुए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब हम इस तरह से इसको बहुत हल्के हाथ से बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। हमें ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो हमारे डो की सारी एयर बाहर निकल जाएगी। ये देखिए, हमारा पिज्जा बेस बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको बेकिंग ट्रे में डाल देंगे। बेकिंग ट्रे में सबसे पहले हम थोड़ा सा आटे को डस्ट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम हमारा पिज्जा बेस को रख देंगे।
अब हम पिज्जा बेस के ऊपर फोर्क से इस तरह से छेद कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें फोर्क से चारों तरफ छेद कर लेने हैं। अब हम हमारे पिज्जा बेस के ऊपर क्रीम चीज लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से, और अब हम इसको चारों तरफ फैला लेंगे। हमें क्रीम चीज को अच्छे से इवनली चारों तरफ फैला लेना है। अब इसके ऊपर हम मैरिनारा सॉस लगाएंगे और इसको भी हम अच्छे से इवनली चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ग्रेटेड मोज़रेला चीज डालेंगे और अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें चीज को अच्छे से चारों तरफ फैला लेना है। अब इसके ऊपर हम अपने मनपसंद वेजीज को अच्छे से सजा के रख देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब वेजीज के ऊपर हम थोड़ा सा बॉइल स्वीट कॉर्न डालेंगे। साथ ही साथ इसके ऊपर हम थोड़ा सा मोज़रेला चीज और डालेंगे। अब हम हमारे पिज्जा बेस के कॉर्नर में अच्छे से तेल को लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से हमें हल्का हल्का ऑयल को चारों तरफ ब्रश कर लेना है। ये हमारा पिज्जा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। अब हम हमारे प्री हीट ओवन में हमारे पिज्जा को बेक होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट तक। ओवन को हमने 250 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट करके रखा था। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा पिज्जा बेक हो चुका है, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा पिज्जा बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये बहुत अच्छे से बेक हुआ है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ओरिगेनो। अब हम हमारे पिज्जा कटर से हमारे पिज्जा को पीसेस में काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें आराम से अच्छे से पिज्जा को कट कर लेना है। ये देखिए हमारा पिज्जा कितना बढ़िया बना है। ये देखिए हमारा पिज्जा बिल्कुल तैयार है, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।